हेलो अस्सलाम वालेकुम हमने फोर्थ ईयर एम की गाइडलाइंस uh, जो है उसके बारे में सीरीज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो फोर्थ uh, ईयर के बारे में uh, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं बिकॉज ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट होता है आपकी मेडिकल लाइफ का और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके दो तीन चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते हैं नंबर वन फोर्थ ईयर के साथ वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यू एस एम एल स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फर्दर uh, जो है अपनी एफ सी पी एस या प्लेब के लिए जो है प्लानिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ लेके चल सकते हैं सो फोर्थ ईयर की गाइडलाइंस uh, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपके करियर ओरिएंटेड हो के अपनी इस साल में पढ़ना होता है अनफॉर्चुनेटली लास्ट टू ईयर्स में कोविड की वजह से uh, हमारे बैच जो हैं वो उस तरह से नहीं इन सारी चीज़ों को लेके चल सके बट uh, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सनेरियो है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोर्थ ईयर में एक कॉमन uh, वर्ड आपको सुनने को मिलता है uh, uh, इन यस तो, uh, yes और इन सेंस नो यस इसलिए बिकॉज रिलेटिवली सिलेबस कम है चीजें इजी हैं और इंटरेस्टिंग है और आप इजिली कर जाते हैं नो इसलिए बिकॉज हम इतना लाइट ले लेते हैं कि एंड पे आके काफी मुश्किल होती है बिकॉज सिलेबस इजी हो कम हो जो भी लेकिन पढ़ना तो पड़ता है पढ़े बगैर हम प्रोफ नहीं निकाल सकते ये आपको पता है इस चीज़ का और फोर्थ ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी की बेस पे आपकी पूरी मेडिकल लाइफ है उसकी रीजन अभी आपको आगे समझ आ जाएगी सो बेसिकली स्टडी वेल इन फोर्थ ईयर अगर आपका कोई प्लान है स्पेशली जो यूएसएमएलई वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फोर्थ ईयर में यूएसएमएलई दे दें और हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चों ने दी है तो अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग नहीं भी दे सके जो कि फाइनल ईयर में आके प्लान करते हैं फाइनल ईयर कैसा मुश्किल होता है रियली really मुश्किल होता है तो आपने फोर्थ ईयर के साथ जिसने प्लान करना है वो कर सकता है उसके लिए अलग से गाइडलाइन आपको बता दी जाएगी तो सब्जेक्ट्स पे हैं सबसे पहले स्पेशल पैथो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो के आपके पे ग्रिप बहुत मजबूत होनी चाहिए बिकॉज़ ये आपके हमेशा क्लिनिकल लाइफ के अंदर काम आएगा सीमेंट रिलेटिवली uh, uh, थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है बट अगेन इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज़ 300 मार्क्स है इसके ये नीड ए एंड टी डो क्लिनिकल सब्जेक्ट बहुत इजी बहुत जल्दी अंडरस्टैंड होने वाले और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो so, ये फोर सब्जेक्ट्स हैं आपके आप कभी भी ये नहीं कह सकते फोर्थ ईयर में आके आपको कोई भी रिकमेंडेशन uh, अगर ये दे कि आप कोई शॉर्ट बुक पढ़े आई रियली आप कोई भी शॉर्ट बुक यूज करेंटिल एनलेस वो शॉर्ट बुक बहुत हाई ये फिर आपको रिकमेंड और उसको आपने कभी भी शॉर्ट बुक को मेन बुक नहीं बनाना यूज yes, uh, कर सकते हैं two, lectures. Lectures आपको मैं साथ साथ हर के again, uh, आपको मिलती रहेंगी सो so, uh, सबसे पहले हम uh, में ये चीजें डिस्कस कर ली गाइडलाइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जितनी भी आपकी गाइडलाइन शेयर होंगी इंशाल्लाह इस दफा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी सारी गाइडलाइन को एक बुकलेट के फॉर्म में एक बुक की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो ताकि आप जब भी आपके लिए आसानी हो कि आपके पास वो बुकलेट मौजूद हो और आप इजीली उससे हर चीज पढ़ सके तो इनशा वो बुकलेट आपकी अवेलेबल होगी बुक शॉप्स पे ओके अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स जो हैं आपके हैं फोर स्पेशल सीमेंट आई एन ई एन टी सबसे पहले मैं स्पेशल पैथो के बारे में आपको बता ये इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज स्पेशल से रिलेटेड ही आपने हर चीज पढ़नी स्पेशल इज रिलेटेड टू इटियोलॉजी ऑफ द डिजीजे prevalence of the diseases and again the treatment of the diseases. so आपने हर disorder, हर disease जो पढ़नी है medical life में वो आप fourth year में पढ़ के जाएंगे so मैं कभी भी आपको ये recommend नहीं करूँगा कि आप लोग प्रथों के लिए specially कोई बहुत शॉर्ट बुक या फिर लोकल बुक यूज़ करें ठीक है इसके लिए आपने जब भी कोई शॉर्ट बुक यूज़ करनी जो कि मैं recommend रिकमेंड करने जाऊँगा आपको उसके साथ आपने लेक्चर ज़रूर सुनने बिकॉज लैक्चर्स प्लस बुक दिस विल मेक आएगा। सीमेंट अगेन इसमें रिसर्च का काम बहुत इंपॉर्टेंट और वो आपने सीखनी है इस लेवल पे आपने करनी भी है और आप जो है रिसर्च के लिए रेडी रहें बिकॉज आपने ये करेंगे तो ही आपके ये काम आएगी तो इसके लिए आई एन ई एन टी दो क्लिनिकल सब्जेक्ट है जिन लोगों का आगे इसमें स्पेशलिटी में इंटरेस्ट है वो तो इसको हंड्रेड परसेंट यहाँ पे तैयार करके जाए रिलेटेड टू सिलेबस और जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं भी है वो एटलीस्ट इतना सीखें इतना इस क्लिनिकल सब्जेक्ट को सीख रहे हैं कि कल उनको कोई भी इशू ना हो उनको बेसिक हर टेक्निक का पता हो हर चीज़ का पता हो ऑप्शन का पता हो सो so ये हमारे पास इसके ओवरव्यू में चीज़ें आ गई अब हम सब्जेक्ट के वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे जिसको हर सब्जेक्ट उसकी जो है वो टी ओ एस किया है उसके बाद उसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कैसे पढ़ना है कौन सी बुक्स पढ़नी वो हम uh, एक एक वीडियो में शेयर करेंगे सो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं